अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक्स का, वह है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर इसको दूसरा नाम भी देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर इसको दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। बेसिकली इसमें आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन वेन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन यूनिटी। कि ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन इम्प्लीमेंट हो रही है कि इसमें कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट आप लेंगे उनकी कंसनट्रेशन आपने क्या, आपको क्या लेनी पड़ेगी, यूनिटी। तो इसीलिए आपके पास क्या है इसमें, द इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन कब, जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या रहेगी, यूनिटी रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड थीम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि कोई भी रिएक्शन जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर। इट मीन्स के रिएक्टेंट के जो भी एक्टिव मैसेज हैं उन पर रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो इसके अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, या फिर आप अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, तो फिर आप मेंशन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मैसेज के। उसके बाद हमारे पास जो है, अब हमें माइंड में ये आता है कि एक्टिव मैस क्या है। ठीक है, एक्टिव मैस बेसिकली क्या होता है, मैं रिएक्टेंट का वो पार्ट, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर। अब सपोज करें, आप अगर आप कोई चीज़ लेते हो, आप 100 ग्राम कोई चीज़ लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम कहते हैं, या हमने सपोज करें आपने 100 जो है वो मिलीलीटर, 100 ग्राम जो है वो हमने शुगर ली और उसको हमने किसके अंदर डिसॉल्व करना शुरू किया, वाटर के अंदर। हम कहते हैं कि उसका 100 में से 70% जो है वो हल हुआ, 70 ग्राम हल हो गई। तो हम कहते हैं कि आपके पास बेसिकली क्या होगा कि ये जो 70 ग्राम है वो एज अ एक्टिव मैस रोल प्ले कर रही है, बाकी 30 जो है वो एक्टिव मैस नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट का जो भी एक्टिव मैस क्या कहलाएगा, जो आपके पास रिएक्टेंट का वो हिस्सा या रिएक्टेंट का वो पार्ट जो वो मैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम एक्टिव मैस कहते हैं। उसके बाद आपने एक जनरल रिएक्शन हमने लिया जिसमें आपके पास ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी प्रोडक्ट हैं। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, सी एंड डी, ये सारे मोल्स को या एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसी इक्वेशन का हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली किसके इक्वल होगा, ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन की, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ। हमने पीछे भी ये बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए और बी के। यहाँ पर जो आपके पास मोल्स होते हैं जो स्टार्ट में आते हैं ए और बी, ये कहाँ पर चले जाते हैं, एज अ पावर एक्सपोनेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब प्रोपोर्शनल का साइन है, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके कांस्टेंट यूज़ करेंगे, के यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी और पावर स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हमने डेफिनेशन में भी जैसे पढ़ा कि इसमें आपने कंसंट्रेशन क्या रखनी है रिएक्टेंट्स की, वन यूनिटी रखनी है, देन ये आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आएगा या वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। तो हमने वही कंडीशन इंप्लीमेंट की, हमने कहा कि ए और बी जो है हमने वो वन मोल लिए, ए भी हमारे पास वन मोल पर डीएम क्यूब होगा और बी भी हमारे पास वन मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह पर उनकी वैल्यूज वन वन पुट करें अगर, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको बताया है डेफिनेशन में भी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ही बेसिकली होता है, लेकिन ये इसमें कंडीशन क्या इंप्लीमेंट होनी है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होने चाहिए,
या लाइक ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए थे, यूनिटी होने चाहिए थे. के जो है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर या टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज होगा. ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट था.